हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है खौफनाक रास्ता। बहुत समय पहले पहाड़ी इलाके में गंगाधर नाम का एक स्कूल टीचर रहता था। वो रोज सुबह अपने घर से दूर स्कूल में बच्चों को विज्ञान पढ़ाने जाता था। एक दिन उसे स्कूल से घर लौटने में बहुत देर हो गई। आज तो मुझे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत देर हो गई। वो बहुत तेजी से जंगल के पास वाले रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहा था। ये जंगल बहुत डरावना था। लोगों का मानना था कि जंगल में बहुत डरावने भूत रहते हैं, इसलिए कोई उस जंगल में नहीं जाता था। लेकिन गंगाधर भूतों पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए जंगल को देखकर उसने कहा, मैं रोज इतना लंबा घूमकर अपने घर जाता हूँ, क्यों ना आज इस जंगल के रास्ते से चला जाऊँ। इससे मेरा बहुत समय बच जाएगा और वैसे भी भूत जैसा कुछ नहीं होता। वो खुशी खुशी जंगल के रास्ते विज्ञान के उसूल दोहराते हुए जा रहा था। जो चीज हम देख नहीं सकते वो झूठ है, जो चीज हम महसूस नहीं कर सकते वो झूठ है, और भूत की बात करने वाले लोग वो सबसे बड़े झूठे हैं। वो ऐसे ही मस्ती में चलता हुआ जा रहा था, तभी उसे दूर पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा दिखाई दिया। उस लड़के ने गंगाधर के स्कूल के बच्चों की तरह ही पेंट, टाई और हुड वाली जैकेट पहनी हुई थी। गंगाधर उसे देखकर चिल्लाकर बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अब तक घर क्यों नहीं गए। लेकिन वो लड़का टस से मस नहीं हुआ। गंगाधर उस लड़के के पास गया तो वो लड़का सुबक सुबक कर रो रहा था। स्कूल बंद हुए इतनी देर हो गई है लेकिन तुम अब तक यहीं हो, और तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोला और नीचे मुंह करके सुबकता रहा। अब गंगाधर को उस बच्चे की चिंता होने लगी। उसने उसके सिर के ऊपर से जैकेट की हुड हटाई और बोला, ऊपर देखो। उस बच्चे के चेहरे पर कुछ भी नहीं था, ना आँखें, ना नाक, ना कान और ना ही मुंह। ये देखकर गंगाधर जोर से चिल्लाया और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। वो बिना मुड़े काफी देर तक भागता रहा। भागते भागते उसे दूर एक टॉर्च दिखाई दिया और वो उस टॉर्च की तरफ भागने लगा। नजदीक जाकर उसने देखा कि टॉर्च एक चौकीदार के हाथ में थी। क्या हुआ साहब, आप किससे डरकर भाग रहे हो। वहाँ एक बच्चा था, उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना कान और ना ही मुंह, कुछ भी नहीं था। आंखें, नाक, कान, मुंह, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं, बस एक खाली चेहरा था। साहब, जिसको आपने देखा कहीं वो ऐसा तो नहीं दिखता था। ऐसा कहकर चौकीदार ने टॉर्च को अपने मुंह की तरफ किया। गंगाधर ने रोशनी में चौकीदार के मुंह की तरफ देखा। चौकीदार के चेहरे पर भी कुछ नहीं था, ना आंखें, ना नाक, ना कान और ना ही मुंह। ये देखकर गंगाधर चिल्लाया और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।